Hello everyone, my name is Birjas Maurya and welcome to my BM Law Classes channel. So today we will learn about alternation of MOA due to change in object clause. अब हमने जो चैप्टर थर्ड चार्टर ऑफ डॉक्यूमेंट अल्टरनेशन ऑफ चार्टर ऑफ डॉक्यूमेंट चैप्टर थर्ड पार्ट टू स्टार्ट करा था उसमें हमने अल्टरनेशन ऑफ कैपिटल क्लोज अल्टरनेशन ऑफ नेम ये पढ़ लिया था ठीक है जो सेटिंग ऑफ बिजनेस एंड एंटिटी एंड क्लोजर के बारे में था अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यू टू चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोज जब हम ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज करते हैं मतलब जिस कंपनी जिस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेशन हुई थी अगर उसमें चेंजेस करते हैं तो उसमें उसके द्वारा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी चेंजेस होते हैं सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 एंड सबसेक्शन 9 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1 कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर स्पेसिफाई इन दिस सेक्शन अल्टर द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम इट मींस द कंपनी कैन चेंज इट्स ऑब्जेक्ट बाय स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज कर सकते हैं फॉर द सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 क्लोज ए प्रोवाइड दैट कंपनी शैल इन रिलेशन टू एनी अल्टरनेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम फाइल विद द रजिस्ट्रार द स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय कंपनी अंडर द सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 एज पर द सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर एनी अल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम विद द रजिस्ट्रार टू ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड द सर्टिफाइड द रजिस्ट्रेशन विद द पीरियड ऑफ 30 डे फॉर द फिलिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन जो हम अगर अल्टरनेशन करते हैं कैपिटल क्लोज में सॉरी सब्जेक्ट क्लोज में उसे हम स्पेशल रेजोल्यूशन किससे फाइल करेंगे रजिस्ट्रार को और विदिन 13 डे फ्रॉम द डेट ऑफ अल्टरनेशन या फिर ऑब्जेक्ट पास स्पेशल रेजोल्यूशन पर्सुएंट टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 अ कंपनी कैन चेंज ऑब्जेक्ट क्लोज बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फर्दर इन केस ऑफ कंपनी is eligible for conducting business through postal ballot any alternation of object clause of the memorandum shall be implemented the same through the postal ballot agar koi company chahti hai object clause uska change karna through the postal ballot to wo change kar sakti hai according to company act now further section 13 subsection 8 laid down that company which raises money from the public through prospectus and has any unutilized amount out of money so raised shall not be changes object for the which it raised money through the prospect unless special is passed by the company agar maan lijiye koi company hai usne jis purpose ke liye raise kare the money through the public by the public through the prospectus और जो उसने मनी रेज करे थे वो अभी अनयूटिलाइज्ड है यूटिलाइज नहीं करा गया जिस पर्पस के लिए उसे हमने रेज कराया था तो कोई भी कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज नहीं कर सकते जब तक द डिटेल ऑफ एनी प्रिस्क्राइब इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजोल्यूशन शैल बी पब्लिश इन न्यूज पेपर एंड द डिसाइडिंग शेयर होल्डर शैल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट बाय द प्रमोटर एंड शेयर होल्डर हैविंग कंट्रोल अकॉर्डिंग विद द रेगुलेशन एंड सेबी स्पेसिफाइड बाय द सेबी जब तक क्या कि जब तक अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज नहीं कर सकते और जो शेयर होल्डर अगर उस सहमति से जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने उसकी फेवर में नहीं है उन्हें हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी मतलब उस कंपनी से बाहर अपने शेयर्स बेचने की अपॉर्चुनिटी देते नहीं है तब तक हम कोई भी अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं कर सकते अगर हमने अपनी मनी रेज करी है थ्रू द बाय द पब्लिक थ्रू द प्रोस्पेक्टस नाउ Also for deleting any portion of the object clause, the procedure laid down in this section has been followed. A company may wish to alter its object state in memorandum due to various reasons. Example F, if company wishes to cut back, that is where the field it is diversifying in a various direction and management of a company has become difficult to an economic, it may alter object to sell or dispose of all or part of the company. Company जब चाहे तब अपने object clause को change कर सकती है अपने जो रिजोल्यूशन पास करवाएगी फॉर द अल्टरनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा पेस्टल बोर्ड से कौन कौन सी कंपनी ऑल कंपनी हैविंग मोर देन 200 मेंबर्स company has raised money from the public through prospectus or it means do company agar public
अगर उसने एक तरफ से कहते हैं लिस्टेड कंपनी, अगर कोई भी पब्लिक कंपनी रेस कर रखी है पब्लिक बाय पब्लिक मनी थ्रू द प्रोस्पेक्ट, उसे अपने अपने अल्टरनेशन ऑफ ऑब्जर्व क्लोज बाय पोस्टल बैलेट्स करवाना, और कोई भी कंपनी जिसके मेंबर 200 से ज्यादा है उसे अपना रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट ही करवाना है। नाउ प्रोसीजर फॉर फॉलो अप विद अल्टरनेशन ऑफ ऑब्जर्व क्लोज ऑफ द मेंबर अंडर सेक्शन 3 विद द रूल ऑफ 32 ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल एंड रूल 22 पोस्टल बैलेट इफ द एप्लीकेबल कंपनी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। नाउ इशू अ नोटिस नॉट लेस देन 7 डे नोटिस एंड एजेंडा बोर्ड मीटिंग और शॉर्टर नोटिस ऑफ अर्जेंट मीटिंग every director company register address of the company shall called a board meeting issue notice karenge before the conduct the meeting within 7 days theek hai aur fir hold karenge hum meeting ka board of the director ki then if a company has raised money from the public to prospect has unutilized amount jaise maine bataya raise shall be follow for additional step kya steps honge pass special resolution by postal ballot and notice the resolution alternation of shall contain following particular total money और उसे हम अगर रेज कर रखे हैं पब्लिक से प्रोस्पेक्टस तो उसे हमें एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा इन द न्यूज़पेपर वेयर द रेस्ट ऑफिस इज सिचुएटेड गिवन अपॉर्चुनिटी टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर एग्जिट प्रमोटर बाय द प्रमोटर एंड शेयर होल्डर हैविंग द कंट्रोल इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन स्पेसिफाइड बाय द सिक्योरिटी सेंड नोटिस जनरल मीटिंग प्रपोज द एनफोर्समेंट स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑल शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑडिटर अदर पर्सन entitled to receive giving not less than 21 day clear shorter notice consent of shareholder is given by the at least 90% member entitled to vote at such meeting either electronic through mode in section with a 101 अगर हम ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस करें तो हमें नोटिस देना पड़ेगा जनरल मीटिंग टू द शेयर होल्डर और शेयर होल्डर जब भी हम चेंज करेंगे अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज जब तक 95% मेंबर एंटाइल्ड होते हैं और वो नोटिस अगर वो उन्हें कंसेंट दे दें तभी हम अल्टरनेशन करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट क्लोज में होल्ड शेयर होल्डर मीटिंग ऑन द डेट ऑफ द फोर मीटिंग एंड पास अ रेजोल्यूशन फॉर अल्टरनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ 3/4 इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन shall be passed by the means of the postal ballot if company more than जैसा हमने बताया for the procedure prescribed for preparing signing comply with the minutes of meeting of the general meeting बननी चाहिए after passing a special resolution register in a file MGT 14 अगर हमने special resolution pass करवा लिया तो MGT 14 में within a 13 day from the passing of the special resolution हमें file करना पड़ेगा किसे register को now अब बोलते हैं registration of alternation Section according to section 13 subsection 6 clause A provide that company shall in relation to any alternation member file with the registrar special resolution approval of central government agar koi bhi alternation ka member random mein to hame use registrar ke pass file karna padta hai aur approval lena padta hai central government se agar hum koi bhi name change karte hain now alternation of liability clause humne abhi object clause liye ab aate hain liability clause According to Section 13, Subsection 1, Special Resolution, after complying with the procedure specified in this alternation of memorandum of association, it means company can change a liability clause of its memorandum of association by passing a special resolution. Alternation of capital clause (MOA). अगर कोई भी कंपनी अगर चाहती है कि वो अपनी liability clause, it means unlimited से limited और limited से unlimited या फिर guarantee change कर ले, so उसे अपने special resolution pass करना पड़ेगा in the meeting. Now अब बात करते हैं कैपिटल क्लोज इन एमओए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 रीड विद द सेक्शन 64 द टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ कैपिटल क्लोज इन द जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ओनली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एज पर सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनी इट कैन बी इनुमरेट एज बिलो इंक्रीज इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल बाय सच अमाउंट एज थिंक फिट इंक्रीज कर सकते हैं अपने ऑथराइज्ड कैपिटल consolidate and divide all or any of its shares capital into shares or large amount of existing share ya fir consolidate ek sang la sakti hai fir divides kar sakti hai jo bhi share capital hai into shares mein now convert all or any of the fully paid up shares into stock and reconvert their stock into fully paid up shares so divided in shares or any of them into shares smaller amount than is fixed by memorandum next cancel shares which at the date of passing a special resolution in their behalf had not been taken or agreed to be taken by any person dismiss the amount of shares by amount of shares cancel
अगर हमें कैपिटल क्लोज में चेंज करना है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। इस इन तरीकों से हम अपने कैपिटल क्लोज में चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ऑथराइज कैपिटल कंसोलिडेट डिवाइड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और फुल्ली पेड अप शेयर इन द स्टॉक, स्टॉक को फुल्ली पेड अप सब डिवाइड कर सकते हैं इन शेयर्स को, और कैंसिल कर सकते हैं शेयर्स को जो अभी तक हमारे पास नहीं आए, जिसे कॉलअप करते हैं तो हमारे पास कॉलअप नहीं आती उस शेयर्स को। नाउ अब बात करते हैं प्रोसीजर, प्रोसीजर फॉर अल्टरनेटिंग ऑफ द मेमोरेंडम पोजीशन बाय फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड कैपिटल। प्रोसीजर चेक ऑथराइज्ड इन आर्टिकल सेक्शन 61 ऑफ द कंपनी एक्ट, मैंडेटेड फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड इन आर्टिकल इन अ प्री कंडीशन। पहले चेक करेंगे कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो आर्टिकल में दिया हुआ है कि हम कितना इंक्रीज कर सकते हैं कितना नहीं, अगर नहीं दिया हुआ तो हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस लाएंगे। देन कॉलिंग अ बोर्ड मीटिंग, हम बोर्ड मीटिंग कॉल करेंगे, फिर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के बाद उसमें नोटिस इशू करी जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग इशू और नोटिस ऑफ द एक्शन ऑल मेंबर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिगेड मेंबर साइनी ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड मेंबर ऑफ एनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग होल्ड करेंगे, फिक्स डेट एंड पास नेसेसरी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे अंडर द सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 फॉर द इंक्रीज द ऑथराइज्ड कैपिटल। देन आरओसी फॉर फिलिंग फाइल करेंगे एसएस 7 विद इन अ 13 डे ऑफ द पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद द कंसर्न ऑफ आरओसी विद द प्रिस्क्राइब विद द अलॉट प्रिस्क्राइब फी अलोंग विद द फॉलोइंग अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होना चाहिए, नोटिस ऑफ ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सर्टिफाइड टू ordinary resolution alternation of memorandum of association, then concern ROC will check e-form and attach the document and will approve the increase in authorized capital. The company shall file a notice in prescribed form with the registrar within a 13 day. जब issue notice करेगा तो वो notice हम registrar को भी issue करेंगे। Then no need to pass special for increase, हमें special अगर हम capital calls में increase करना चाहते हैं तो हमें जरूरत नहीं कि हम special resolution pass करें। प्रोसीजर पढ़ ले और कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं जब हम अल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम करते हैं। अब बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। अ कंपनी हैज अ स्टैच्यूटरी राइट टू अल्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बट पावर टू अल्टर इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड कंडीशन कंटेन्ड इन मेमोरेंडम। अगर हम चाहते हैं कि अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करें तो वो चेंजेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन होने चाहिए जो कंपनी एक्ट में दे सका और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का उल्लंघन बिल्कुल ना करें जब हम अल्टरनेशन ऑफ आर्टिकल में कर रहे हैं। सेक्शन 14 सबसेक्शन में प्रोवाइड दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द कंडीशन कंटेन मेमोरेंडम If any company may by a special resolution alter its article including alteration having the effect of conversion of private company into public company or public company into private company, first provision subsection lay down that where the company being a private company alter its article in a such a manner, they no longer include restriction and limitation which are required to include in article of private company under this act or sell as from the date of alternation. Since to be private company, second provision stipulate that any alternation having the effect of conversion of the public company into private company shall not take effect unless it is approved by the order of the central government. अगर कोई भी कंपनी पब्लिक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कोई भी प्राइवेट पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी में चेंज हो रही है तो उसे अप्रूव ऑर्डर लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 और इसके प्रोविजो। नाउ any alternate every alternation of article in this section copy of order of central government approving the alternation as per the section 14 subsection 1 shall be filed with the registrar together with the printed copy of alternation within a period of 15 day in such manner as may be prescribed। agar koi bhi humne public company ko private company mein convert karne ka liya hai faisla usse alternation of article hoga so usse jo order hame mila hai usse registrar ke paas file karenge within a 15 days ke andar। now However, in spite of the power of alter article, the company exercises power subject to only certain limitation. The article must not exceed the power given in the memorandum. Alternate must not consider the provision of the Company Act or the statute. The article must not include anything which is illegal or oppose the public policy. The alternate must not be bona fide for the benefit of company. Alternate must not constitute any fraud or majority, minority of the by the majority.
Attica cannot also comply with the existing member to take a scape for the more shares. By affecting alternation, article company cannot defeat escape from the contractual obligation. The article of association cannot alter so have the retrospective effect. Alternation must not be considered with the order of the court. ये सारी चीज अगर कोई भी अल्टरनेशन करने तो अल्टरनेशन जो है वो लिमिटेड होने चाहिए जो हमने 9.9 नाउ अब मेंबर अगर हम अल्टरनेशन करते हैं तो कैसे अल्टरनेशन करते हैं मैनर टू अल्टरनेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय अडॉप्टिंग अ न्यू आर्टिकल हम न्यू आर्टिकल अडॉप्ट कर सकते हैं पुराना उसे खत्म करके बाय एडिशन और इंटरशन ऑफ न्यू क्लोज बाय डिलीशन ऑफ क्लोज बाय अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिक क्लोज बाय सब्स्टिट्यूट ऑफ स्पेसिफिक फिक क्लोज अब बात करते हैं इन सब की कंसीडरेशन फॉर अफेक्टिंग एनी चेंज इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिजल्ट इन द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और वाइस वर्सा कंपनी शैल एडिशनली फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और वाइस वर्सा बाय अमेंडमेंट कंपनी मे इंसर्ट प्रोविजन फॉर इंटरचेंज और टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफिक प्रोविजन आर्टिकल मे अल्टर ओनली इफ द कंडीशन ऑफ प्रोसीजर as that are more restrictive than those applicable in the case of a special exception are comply with section every alteration of the article shall be filed with the registrar together with print a copy of altered article within period of 15 day in a INC 24 agar koi bhi alteration mein article of association mein alteration kar rahe hai to use hame registrar ke paas file karna padta hai copy of alteration of association Article of Association within a 15 day in a form INC 24 और special exception पास कराया है तो MGT 14 भी उसके संग हम फाइल करेंगे। अब बात करते हैं procedure for alternation of article जैसे issue notice करना पड़ेगा board meeting के लिए ना फिर board meeting करना पड़ेगा इसी में issue notice करना पड़ेगा तो annual general meeting prepare and circulate draft meeting of the 15 days from the conclusion of the meeting then send a notice to general meeting propose the form इन स्पेशल एक्शन उसके बाद हमें इशू नोटिस करना पड़ेगा जनरल मीटिंग करने के लिए जनरल मीटिंग करना पड़ेगा उसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए थर्ड फोर्थ की मेजॉरिटी तभी स्पेशल एक्शन पास करा जाएगा आफ्टर स्पेशल एक्शन पास होने के बाद हमें एमजेटी 14 में विदिन 13 डे का रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा देन फॉलो द प्रोसीजर ऑफ द प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू रिवाइज सेकेंडरी स्टैंडर्ड नाउ आज के लिए इतना ही काफी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच अगली वीडियो से हम इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।